आज झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने अपने संगठन विस्तार की अगली कड़ी में जोड़ते हुए बोकारो जिला कमेटी का गठन किया। आज के जिला कमेटी के गठन में जिला कमेटी से प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष शरीफ अहसन मजहरी, महासचिव अमीन अहमद, प्रवक्ता सहजाद अनवर, शेख उमर, साबिर अहमद, अब्दुल मजीद, गुलाम अहमद, शकीर अहमद और मोहम्मद सईद ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष शरीफ हसन ने किया। इसी के साथ बोकारो से पी3 न्यूज झारखंड के लिए अनिल कुमार की देखे एक रिपोर्ट। संघ आज बोकारो जिला में शामिल हुए हैं। आपने एक सवाल किया कि इस संघ का मकसद क्या है। हम आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहेंगे कि झारखंड बने लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे राज्य में कोई भी संगठन ऐसा नहीं था जो उर्दू के मामलात को रियासती स्तर पर सामने ला पाता। हमारा मकसद ये नहीं है कि उर्दू किसी मजहब से जोड़कर देखा जाए। अगर हमारा कोई भाई उर्दू भाषी है तो वो भी हमारा साथी हो सकता है, भले ही उसका जात, उसका धर्म कुछ भी हो। हमारा मुराद है कि आपके जानकारी में होगी, झारखंड बनने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में 2007 को उर्दू को इस रियासत में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया और उसके तहत अभी मौजूदा हालात में पूरे झारखंड में दो तरह के विद्यालय चलते हैं, एक सामान्य विद्यालय और एक उर्दू विद्यालय, जो पूर्णतः सरकारी विद्यालय हैं। लेकिन मौजूदा हालत में 2014 और 15 में जो नियुक्ति हुई सिर्फ उर्दू के मामले में, इनको योजना मद में डाला गया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लान, जबकि इनको पूर्णतः उसी बैच में, ये जेपी जैक के द्वारा नियुक्ति हुई थी और उसी बीच बैच में अन्य भाषा के शिक्षक और अन्य शिक्षक को गैर योजना मद में रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मामला है। देखिए, हमारा एक संगठन है उर्दू शिक्षकों का, जो आपके सामने है, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ। ये संघ हमने 2-3 साल पहले बनाया था, रजिस्टर्ड संघ है। इस संघ का जो खास तौर से, जो विशेष तौर पर जो इसके टारगेट हैं, इसका जो काम है वो ये है कि उर्दू शिक्षकों के जो समस्याएं हैं उर्दू स्कूलों के, और उर्दू भाषा जो झारखंड की दूसरी सरकारी भाषा है, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। शिक्षकों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या समस्याएं हैं, उसके हल के लिए काम करते हैं। उर्दू भाषा के प्रसार और प्रसार के लिए हम काम करते हैं और उर्दू स्कूलों की सुरक्षा के लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है इस संगठन का, और इसका विस्तार हम पूरे राज्य में कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं, वहाँ जो ज़िला का जो ये शाख है उसका, वो हम उसका गठन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा यहाँ आना हुआ है, फिर हम धनबाद जाएंगे। यहाँ ज़िले कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का हम यहाँ गठन करेंगे और फिर हम धनबाद में जाके फिर उसका आगे का विस्तार के तौर पर जो है